नमस्कार, आप देख रहे हैं HMTV लाइव। आपके साथ मैं हूं AL द्विवेदी। आइए देश दुनिया की खबरों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HMTV लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज बदरपुर में चुनावी सरगर्मी के तहत बसपा के प्रत्याशी पंडित नारायण दत्त शर्मा की ओर से ज्ञान मंदिर जैतपुर रोड पे एक बसपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में क्षेत्र के कई गणमान्य उपस्थित थे और हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित थी और वहीं पे एक रंगारंग कार्यक्रम रागनी का भी आयोजन किया गया। पंडित नारायण दत्त शर्मा ने कहा कि हमें जिताइए और विकास की मैं गंगा बहा दूंगा। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां जो खुद बयां करती है कि पंडित नारायण दत्त शर्मा जी ने क्या कहा। बिहारी बोस भी हो, लाल लाजपत राय लाहौर में चिट्टा होया मेरे बोस भी हो, राजगुरु सुख देवर बिस्मिल मरते हुए कार्यकर्ताओं का जोश है। एक बार मेरे साथ कहिए, भाई नारायण दत्त शर्मा हमारे साथी नरदेव जी और उनकी पूरी टीम। पहले इस बदरपुर में चुनाव होते थे, 2015 का भी चुनाव था। क्या ये चुनाव है? क्या ये चुनाव नहीं है जी, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है जी। और अधर्म के साथ मक्कार खड़े होते हैं और धर्म के साथ शेर खड़े, ईमानदार खड़े होते हैं मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई के अंदर कुछ लोगों के पास बड़ी पार्टियों की टिकट है, कुछ के पास कुछ देश के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कुछ मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कुछ केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तुम्हारा बेटा इन 5 सालों के काम और उसके सम्मान पर वोट मांग रहा है। वैसे तो किसी ने कहा है, जब बुरा वक्त होता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। किसी ने कहा है कि बुरा वक्त होता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। मैं बदरपुर की आवाम, हे भगवान स्वरूप, आपके चरणों में नतमस्तक करता हूं। आज अगर तुम्हारा बेटा इन चोरों से लड़ पा रहा है तो आप मेरे साथ खड़ी है। और मैं यकीन से कह सकता हूं, जनता बदरपुर की मन बना चुकी है। इसलिए मन बना चुकी है कि 21 साल उन दोनों नेताओं का शासन था। 21 साल उन नेताओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाए, गरीबों के मकानों को तोड़वाया, ना नहर वाला रोड बनाया, कोई मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 3-3 घंटे लाइट में ना हलाते थे। पर सबसे बड़ी बात तो यह है, जीतने के बाद में दिखना भी नहीं होता था उनका। तो आज जिस विधायक ने 5 साल में VIP कल्चर को आसमान से जमीन में बिठा दिया हो, क्या दोबारा VIP कल्चर चाहिए? क्या दोबारा गुंडे चाहिए? क्या दोबारा बदमाश चाहिए? क्या ये चुनाव इस तरह का चुनाव होगा? अगर आप लोग हारते हो तो बेईमान और धन जीतेंगे जी, और अगर आप जीतते हो तो बेईमान और धन हारेगा मेरे भाइयों। और ये यकीन है मुझे, ईमानदारी परेशान हो सकती है, ईमानदारी जमीन पर गिर सकती है, ईमानदारी तड़प सकती है, लेकिन ईमानदारी परास्त नहीं हो सकती मेरे साथियों के लिए। जिस पार्टी को खून पसीना से सींचा था, जिस पार्टी के लिए 12 तारीख तक हमारे सारे साथी गली गली में मीटिंग कर रहे थे, जो ईमानदारी का चोला ओढ़कर
इस दिल्ली की आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए आई थी और हमारे भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। और जिस आदमी को टिकट दिए उस 17,000 वोट लेकर आया था जी, अपनी जमानत नहीं बचा पाया। और जिस बेटा की टिकट काटी है वो 1,00,000 वोट लेकर आया था। ये फर्क देखिए, जिस नरेंद्र शर्मा की टिकट काटी है उसके लिए एक शब्द नहीं है ऊपर से नीचे तक किसी पे कहने के लिए, है क्या? ये एक चक्रव्यूह की रचना पिछले 18 महीने से चल रही थी जी। एक चीज समझ ले आप, जिस दिन से आपका ये भाई आपका साथी जीता है उसी वक्त से कुछ लोग, इसलिए अगर बाहर के लोग मजबूत हो गए तो 8 फेल लोगों की राजनीति। तुम्हारे भाई को किसी ना किसी तरीका से चक्रव्यूह में फंसना चाहते थे, करप्शन या करेक्टर के में। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि तुम्हारा भाई गर्दन घटा देगा, लेकिन करप्शन और करेक्टर के मामले में आपका सर नहीं घटाएगा। कह दिया और हाथी का बटन दबा दिया तो 7वें द्वार को भी तोड़ूंगा, 8 तारीख को 8वें द्वार को भी तोड़ूंगा और 11 तारीख को धन हारेगा ईमानदारी जीतेगी, चोर हारेंगे बदरपुर की प्रवासी आवाम जीतेगी। ये करना